सामने आपके दिल का राजा बन के बैठा, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन को करीब से देखा है। आप जब बड़े बन जाते हो ना भैया, तो आप अगर कितना भी मेहनत करो, वो मेहनत दुनिया नहीं देख पाती। आप जब छोटे से बड़े होते हो ना, तो वो जो रास्ते की जर्नी है, वही दुनिया को याद रहती है। खेसारी आज उस समय से ज्यादा आज मेहनत करता है, लेकिन दुनिया को वो याद नहीं है, लेकिन दुनिया को खेसारी को लीटी बेचना याद है। तो जिंदगी में कोई भी चीज, रमेश भैया हमारे सीओ साहब बुला रहे हैं, प्लीज आप एक बार आ जाइए, क्योंकि प्रशासन का निवेदन है, थोड़ा सा आप एक बार आ जाइए, एक बार सीओ साहब से मिल लीजिए। तो जिंदगी में कभी भी ना, लोग कहते हैं ना कि फलनवा अमीर हो गई, अमीर बनना सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। भगवान अगर हमें गरीब बनाया था, तभी खेसरी आज अमीर बन पाया। तो भगवान हमें अवसर देता है गरीब पैदा करके, कि जा बेटा गाड़ी किन ले, घोड़ा किन ले, जमीन ले ले, फैक्ट्री बना ले, हेलीकॉप्टर ले ले। तो जब हम गरीब रहेंगे, तभी ये सपना देख पाएंगे। अब खेसारी का बेटा क्या सपना देखेगा, उसके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, तो वो नसीब वाला नहीं है, उसका दुर्भाग्य है जो खेसारी का बेटा बन के पैदा हो गया। अगर वो भी मंगरू यादव का बेटा पैदा हुआ होता ना, तो आज खेसारी जैसा बन जाता। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए, गरीबी पै नहीं है, मेहनत करिएगा तो आपसे बड़ा अमीर इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। तो जिंदगी का दस्तूर है, गरीबी पै नहीं है, गरीबी को अमीरी में बदलना आना चाहिए आपको। नहीं तो एक लीटी बेचने वाला लड़का, एक गुड्डू रंगीला जैसे कलाकार के घर में झाड़ू पोछा करने वाला लड़का आज आपको बीच में खड़ा है, दिल का राजा बन के, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भगवान अगले जन्म भी बनाना तो मुझे अमीर नहीं बनाना, गरीब पैदा करना, किसी झोपड़ी में पैदा करना कि महल बनाने की क्षमता खेसारी बनाएगा। तो ये रखना हमेशा याद। काजल जी एक बार आएंगी क्या आप?